आप तमाम लोगों को यहाँ तशरीफ लाने पर शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। जैसा कि आपको मालूम है, आज 5 फरवरी है और 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर पूरे मुल्क में मनाया जाता है, जिसका मकसद आलमी दुनिया को कश्मीर का हिंदुस्तान का असल चेहरा दिखाना है। जो मजालिम कश्मीर के लोगों के ऊपर हो रहे हैं उसके बारे में वो जाकर करना है। और हम ये चाहते हैं कि जो अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदाद मंजूर की थी उसके ऊपर अमल किया जाए और उनको हक खुद इरादियत दी जाए। लाहौर का कश्मीर के साथ एक खास रिश्ता है, शायद इस रिश्ते को इस मुल्क के अंदर कोई दूसरा नहीं पहचान सकता कि जितना लाहौर का पहले कश्मीर के साथ एक रिश्ता है, जो कि खास रिश्ता है। आपको मालूम है 185 दिन हो चुके हैं कश्मीर के अंदर जो लॉकडाउन इंडिया ने किया हुआ है और उसके ऊपर पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है इस जुल्म के ऊपर। और हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 और 37A को विथड्रा किया, जिससे वहाँ के लोगों के जो बुनियादी हकूक हैं वो मुतासर हुए हैं और उसके ऊपर हम एहतजाज भी कर रहे हैं और हमेशा 5 फरवरी को हम यौम यकजहती कश्मीर भी मनाते हैं। इस तरह के कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है, कश्मीर के पास से हम पीछे नहीं हट सकते। हम पहले भी कश्मीरियों के साथ थे, आज भी हैं और कल भी इंशाल्लाह रहेंगे इंशाल्लाह। और कश्मीर के काज को जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कश्मीर का मुकदमा लड़ा, मेरे ख्याल में हमारी इस 70 साल हिस्ट्री में नहीं है कि किसी तरह किसी ने भी इस तरह से कश्मीर का मुकदमा लड़ा हो। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कश्मीरी बहुत जल्द सुरखरू होंगे और पाकिस्तान अपनी जो हमारा जो स्टांस है पाकिस्तान अपनी अखलाकी सियासी और सफारती जो हमारी हमायत होगी वो इंशाल्लाह हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ होगी। हमारे दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं और कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।